हमारे साथ इस समय वरिष्ठ संवाददाता अशोक श्रीवास्तव भी मौजूद हैं रविशंकर प्रसाद जी से बात करने के लिए। अशोक जी, आप रविशंकर प्रसाद जी से क्या कुछ बात करेंगे? जी रविशंकर जी नमस्कार, आप लोगों के लिए बहुत भावुक क्षण है, ये जाहिर सी बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब पहली बार आडवाणी जी जब केंद्र सरकार में आए थे तो वो सूचना और प्रसारण मंत्री बने थे, और तब बने थे उसके पहले जो है देश में मीडिया का गला घोट दिया गया था आपातकाल लगाकर, और आडवाणी जी ने मीडिया को एक बार फिर से जो है ये आत्मविश्वास दिया कि वो अपने पैरों पर खड़े रहे और वो जो सवाल पूछ सकते हैं पूरी मजबूती से पूछना चाहिए। और जब आडवाणी जी देश के उप प्रधानमंत्री बने तब आप जो है सूचना और प्रसारण मंत्री बने, और आपने उस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया, मुझे लगता है ये भी आज जाना देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। धन्यवाद अशोक जी आपके सवाल के लिए। इमरजेंसी में आडवाणी जी ने एक लाइन लिखा था, इवन मिसेस इंदिरा गांधी आस्क्ड देम टू बेंड, दे आर प्रिपेयर्ड टू क्रॉल। पत्रकारों को सिर्फ झुकने को कहा गया और वो रेखने को तैयार थे, और उसमें से वो बड़े बड़े संपादक भी थे जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब किसी का नाम एक जोत नहीं है। आडवाणी ने कहा कि नहीं, वो परंपरा आगे बढ़ानी है, और उसको उन्होंने और आगे बढ़ाया। और आपने बात किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से को आलोचना जितना उन्होंने झेला है उतना किसी और ने झेला है क्या? जाओ अपनी बात कहो, आप जनता डिसाइड करेगी। तो आप पत्रकार हैं तो आपका पूरा काम है, लेकिन पत्रकारों की प्रामाणिकता भी तभी होती है जब थोड़ा वो जमीनी हकीकत को लेकर चलते हैं। अपनी बात कहिए आप। तो ये पूरा फ्रीडम ऑफ प्रेस आडवाणी जी का आर्टिकल ऑफ फेथ था, ये हमने सिखाया था, उन्होंने सिखाया था, वो खुद पत्रकार भी थे, और उस परंपरा को हम लोगों ने आगे बढ़ाया, क्या सुषमा जी हो या बाकी मन, और हमारे प्रधानमंत्री, और आप रोज देखते हैं कितना कितना लोग बोलते हैं, ठीक है आपका दिन। एक बात और कहना चाहूंगा अशोक जी आपको, जी आडवाणी जी की शुचिता बहुत जोरदार है। आपको याद है कि जब उनको जैन हवाला कास्ट में झूठा फंसाया गया नरसिंह राव की सरकार में, याद होगा जी, कहा मैं देता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से संसद से इस्तीफा देता हूँ, और जब तक मैं बरी नहीं होऊंगा मैं संसद में वापस नहीं आऊंगा। और जो देश में ट्रायल की स्थिति है शायद उनका संसदीय जीवन खत्म भी हो जाता। मैंने कहा आपने क्यों किया ऐसा? कहा नहीं, ये बस सवाल वसूल का है। बाद में कोर्ट ने क्वाश कर दिया सारे झूठे आरोप को, उन्होंने अपने परिवार को कभी नहीं बढ़ाया। रविशंकर जी आपको आपको याद होगा ये बात, क्योंकि मुझे भी अच्छी तरह से याद है जब आडवाणी जी गांधीनगर और साथ साथ दिल्ली नई दिल्ली सीट से जीते थे, और उसके बाद उनको एक सीट रिटेन करनी थी, उन्होंने गांधीनगर सीट रिटेन करी, और कई लोग उनको उनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि वो नई दिल्ली सीट से अपने परिवार के किसी सदस्य को, अपने बेटे को, अपने पुत्र को उतारे, लेकिन आडवाणी जी ने साफ मना कर दिया। ये दिखाता है कि वो वंशवादी राजनीति के कितने विरोध में थे। नहीं नहीं देखिए आडवाणी जी दिव्य पुरुष हैं, मैं ही फिर कह रहा हूँ, ये जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं ना परिवारवाद के खिलाफ, तो उसकी एक परंपरा है, इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल, और ये हमें गर्व है अपनी पार्टी पर इस मामले में, शुचिता का एक मानदंड रखा है। तो आज ये बहुत पावन दिन है, और देखिए प्रभु राम का मंदिर भी बन गया जिसके लिए वो बहुत सक्रिय थे, भव्य मंदिर बना है, और हमारे प्रधानमंत्री का जो उसमें योगदान रहा चीजों को फैसिलिटेट करने में, एक वर्ल्ड क्लास अयोध्या सिटी बने, प्रभु राम के चेहरे पर रामनवमी के दिन सूरज की किरण भी पहुंचे, उसकी भव्यता, तो ये सब सोच है। क्या सोच है? कि भारत को हमें एक, जब भारत का एक आध्यात्मिक संस्कार की परंपरा है तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुसार वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। ये बात आप समझ, मैं कहना चाह रहा हूं। हाँ एक आखिरी सवाल मैं रविशंकर जी, रविशंकर जी मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। आपने भारत रत्न अटल जी के साथ भी काम किया सरकार में रह के, प्रशासनिक जो आपने काम किया, आपने अब भारत रत्न अटल जी आडवाणी जी के साथ भी आपने काम किया, उनके सानिध्य में रहकर काम किया, और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में रहकर भी काम किया। ये जो प्रशासनिक अनुभव है जिसको हम बीजेपी की एक 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 आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने और साथ साथ जो है एक प्रशासनिक अच्छा प्रशासन चले, उसको आप आज कैसे डिफाइन करेंगे इन तीनों महानुभावों के कार्यप्रणाली को देखते हुए? देखिए मेरा ये परम सौभाग्य है, और मैं तो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। अटल जी बहुत महान व्यक्तित्व थे, उनकी सोच, उनकी समझदारी,
नेशनल हाईवे प्रोग्राम बनाना है। अडवाणी जी की सोच राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रखना है, भारत के सांस्कृतिक धरातल को मजबूत करना है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी इन सबों का सम्मिश्रण है और कुछ उनसे आगे भी है। आगे उनके 14 साल के मुख्यमंत्री का अनुभव है, तो नीचे में कैसी चीजें जाती हैं। जब बजट निर्मला जी प्रस्तुत कर रही थी तो हमने आउटकम क्या दिया ये करके दिखाया। और देखिए, हमेशा मैं बड़ी बात जो कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी और बाकी पार्टियों में क्या अंतर है। बाकी पार्टियां स्लोगन से बहुत निकालती हैं लेकिन जमीन पर नहीं उतारती, और यहां सोशल जस्टिस जो बजट में कहा गया नरेंद्र मोदी की सोच है, वो सिर्फ नारा नहीं है, वो हर गरीब के यहां सैचुरेशन पॉइंट पहुंचाने का गुड गवर्नेंस का मॉडल है। तो आज चाहे आपके इतने अकाउंट खुल गए तो उसमें 34 करोड़ रुपए चले गए, तो इतने करोड़ रुपए बच गए, 4 करोड़ को आवास मिला, इतने लोगों को गैस मिला, इतना शौचालय मिला, इतना ग्रामीण सड़कें बनी, ये सब उसका प्रमाण है कि गरीब की सेवा प्रामाणिकता से होनी चाहिए, सामाजिक न्याय के नारेबाजी से नहीं। तो ये जनसंघ के समय का क्या नारा था, हर खेत को पानी हर हाथ को काम, याद होगा आपको जी। दीनदयाल जी का क्या था, एकात्म मानववाद में अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति की कल्पना। आज देखिए नरेंद्र मोदी ने उसको जन्म उतारा है। तो जब पूरी सोच आती है तो संतोष मिलता है, और इस सोच के प्रेरणा स्रोत अटल जी हों, अडवाणी जी हों, तो आज दोनों को भारत रत्न मिला है, उनको मिला पहले स्वाभाविक है, अब अडवाणी जी को मिला, तो अडवाणी जी के लिए बहुत संतोष की बात है। लेकिन मुझे एक बात का बहुत अच्छा लगता है, अडवाणी जी भी अटल जी को बहुत मिस करते हैं, याद होगा उन्होंने अपने ब्लॉग में भी लिखा था। बिल्कुल, आज उनकी ये जो इतनी बड़ी ये पुरस्कार उनके लिए बहुत बड़ा नहीं है, हम लोग के लिए खुशी की बात है और देश के लिए खुशी की बात है। बिल्कुल, अडवाणी जी और अटल जी का जो संबंध था, और आडवाणी जी का और नरेंद्र मोदी जी का जो संबंध है, उसको शायद ही जो मीडिया जगत है और जो बुद्धिजीवी हैं उसको शायद ही उसका सही से आकलन कर पाएंगे। जो स्नेह था वो लोगों ने देखा नहीं, लोगों ने कहानियां अलग अलग जरूर गई। मुझे सिर्फ एक बात कहने दीजिए आप जी। जी, जो बाकी पार्टियां हैं ना, वो इंसानी रिश्तों के महत्व को नहीं समझ पाती है ना जी। वो पॉलिटिक्स में फॉर्मल रिश्तों को ही विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी में, ये पार्टी के लोगों में एक बहुत भावनात्मक इंसानी रिश्ता भी बनता है पार्टी के नेता कार्यकर्ता के अलावे। दीनदयाल उपाध्याय की अगुवाई में अटल जी अडवाणी जी के साथ फिर दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। ये नरेंद्र मोदी को स्नेह देते हैं, अडवाणी जी आगे देखते हैं, उनकी क्षमताओं को देखते हैं। आज देखिए, बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो भाजपा में लगभग देश में जाने पहचाने लगभग 15-20 नेताओं का नाम अगर मैं बताऊं, ये सबको तो अडवाणी ने आगे बढ़ाया ना, जो करना पड़ेगा ना। तो नाम गिनाऊं, स्वर्गीय कल्याण सिंह हो, उधर गोविंदाचार्य जी हो, फिर आपके हमारे प्रमोद महाजन हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, नरेंद्र मोदी जी हो, क्षमा करिएगा सबसे बड़े नाम को लेना चाहिए था जी, सारथी थे मोदी जी, फिर हम लोग नीचे आए, राजनाथ जी हो, ये सब तो अडवाणी जी ने अपने तरीके से अटल जी के साथ समन्वय से कि इनको चिंता करनी चाहिए, इनको चिंता करनी चाहिए, इनमें क्षमता है, इनमें समझदारी है, व्यक्तियों को आगे बढ़ाए, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझना चाहिए। उनका विशाल हृदय, उनकी सोच, विचारधारा के लिए समर्पण। हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया, 95 में वो अपनी लोकप्रियता के शीर्ष पर थे कि नहीं थे, थे ना, याद है ना आपको? हेलो जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ। जी बिल्कुल। और 95 में मुंबई के अधिवेशन में क्या कहा कि अब मैं चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बिल्कुल द्वार में आगे बढ़े, याद है ना आपको? और एकदम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो जब ये समझदारी बनती है तो फिर पार्टी बड़ी बनती है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं रविशंकर जी। उस वक्त मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, तो और सभी लोग, प्रेस के लोग, क्योंकि अडवाणी जी उस वक्त राजनीति के शीर्ष पर थे, और तब उन्होंने अटल जी का नाम कहा कि अटल जी मेरे सीनियर हैं और वो प्रधानमंत्री होंगे, और सभी पत्रकार आवाक थे इस पूरी घोषणा। ये जो है ना, बिल्कुल,
बिल्कुल इस प्रकार से देश आगे बढ़ता है, ध्यान रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार रविशंकर जी को बने मुख्यमंत्री जी, ये व्यक्ति गुजरात को आगे ले जाएंगे और देखिए जी चले गए, बहुत बड़ी बात है जी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया रविशंकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लंबा अनुभव रहा है लालकृष्ण आडवाणी जी का, संसदीय अनुभव रहा है, उन्होंने विपक्ष की भूमिका भी निभाई है, किस तरह से वो विपक्ष की भूमिका में आप उन्हें देखते हैं, वो अनुभव वो संस्मरण किस तरह से याद आता है? अच्छा अच्छा अच्छा, आपको बता दें कि 26 जून 1975 में 19 मार्च 1977 से जुलाई 1969 तक सूचना और प्रसारण मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी जी, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की आज घोषणा की गई है, जो कि पूरे भारत के लिए निश्चित तौर पर एक गर्व का क्षण है। उन्होंने 1980 से 1986 तक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव पद पर रहकर काम किया और भारतीय जनता पार्टी को सींचने के साथ साथ उन्होंने देश के लिए भी लंबे समय तक काम करते रहे और प्रेरणा स्रोत बने रहे। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक जी आपसे जानना चाहेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी जी का संसदीय अनुभव भी लंबा रहा है, राज्यसभा में सदस्य रहे, लोकसभा में सदस्य रहे, केंद्र में मंत्री रहे, किस तरह से उनके इस पूरे कार्यकाल को आप याद करते हैं, विपक्ष की भूमिका भी उन्होंने निभाई, विपक्ष में रह करके किस तरह से उन्होंने उदाहरण पेश किए इस देश के लिए? देखिए जो उनका संसदीय पूरा अनुभव अगर आप देखेंगे तो वो मेरे ख्याल से देश के जो सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं उनमें हमेशा आडवाणी जी की गिनती होगी, क्योंकि वो जब भी बोलते थे बहुत सधावा बोलते थे। और आज तो आप देखते हैं कि संसद के अंदर किस तरह का हंगामा होता है, किस तरह की जो है विपक्ष लगातार अटैक करता है, किस तरह से विपक्ष जो है जो मुद्दे नहीं होते उनको भी मुद्दे बनाता है। लेकिन आडवाणी जी जब विपक्ष के नेता थे, जब बीजेपी के की तरफ से वो विपक्ष के नेता रहे, तो आप ये पूरी आप उस वक्त की अगर आप संसद की कार्रवाई देखेंगे, विपक्ष ने कभी भी इस तरह से संसद का समय व्यर्थ ना हो, संसद का एक एक जो मिनट है वो कितना कीमती है, आडवाणी जी उसको पूरी तरह से तोड़ कर करते थे और जहां जरूरत होती थी सरकार के साथ सहयोग करते थे, लेकिन सरकार से कड़े प्रश्न भी पूछते थे, खास करके राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने सरकार से कई बार जो है मुश्किल सवाल पूछकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, सरकार को मुश्किल में खड़ा किया। लेकिन जहां उन्हें लगता था कि ये देश के लिए इंपॉर्टेंट इशू है, ये यहां पर सरकार के साथ विपक्ष को खड़ा रहना चाहिए, वहां उन्होंने बिना किसी झिझक के तमाम राजनीतिक विरोध प्रतिरोध को साइड में रख करके उन्होंने सरकार का समर्थन भी किया। यहां तक कि जब सोनिया गांधी यूपीए के सरकार में जब चेयरपर्सन बनी तो उस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो संबंध काफी खटासपूर्ण होने लगे थे, लेकिन उसके बावजूद भी आडवाणी जी ने कभी भी जो मर्यादा की सीमा थी वो कभी नहीं लांघी और उन्होंने हमेशा हर व्यक्ति को वो सम्मान देते थे। आप देखिए सोमनाथ चटर्जी उस वक्त जो है एक बहुत वोकल सांसद थे सीपीएम के, लेकिन उनको किस तरह से उनका सम्मान वो देते थे, आप उसको भी आप अगर देखेंगे संसदीय इतिहास में आपको दिखाई देगा। तो चाहे संसदीय इतिहास हो, सरकार में रहकर भी उन्होंने हमेशा अपने दरवाजे जो है, जब वो देश के गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने हमेशा जो है जो जितनी राज्य सरकारें हैं वहां पर सुरक्षा को लेकर कोई भी समस्या हो तो वो तुरंत जो है उसको जो है एड्रेस करते थे। और मैं आपको एक और बहुत निजी बात आपको बता रहा हूँ, कमला जी जो है वो उनकी पत्नी धर्मपत्नी जी अब वो नहीं रही, वो आडवाणी जी की सेहत का बहुत ख्याल रखती थी और आडवाणी जी इसलिए जो है लंबे समय तक जो है बहुत एक्टिव रहे, क्योंकि वो बहुत कम खाते थे, बहुत सधावा खाना खाते थे इस तरह से। और कमला जी ये तय करती थी कि आडवाणी जी जो है वो समय पर खा ले और उनको खाते समय जो है कोई डिस्टर्ब ना करे, वो थोड़े समय के लिए खाने की टेबल पर रहे लेकिन उस समय वो उनका पूरा ध्यान खाने पर रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि अचानक से कुछ राजनीतिक गतिविधि होती थी या कोई कार्यकर्ता भी अगर अंतिम समय पर आडवाणी जी के पास कोई समस्या लेके पहुंच जाता था, जब वो गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे, तो आडवाणी जी को कोशिश ये होती थी, कमला जी कोशिश करती थी आडवाणी जी पहले खाना खा ले, लेकिन आडवाणी जी को अगर जैसी खबर लगती थी कि कोई कार्यकर्ता आया है मुश्किल में है, कोई राजनीतिक नेता आया है मुश्किल में, वो सब कुछ छोड़ करके खाने की टेबल उठते थे और वो सबसे पहले कार्यकर्ता से मिलते थे, उस राजनीतिक व्यक्ति से मिलते थे, उनकी जो है समस्या उसको वो दूर करते थे। तो इतना ज्यादा उनका डेडिकेशन था, सुबह उठ जाना, सुबह जो है सुबह समय पे उठ जाना और उसके बाद जो है इस तरह से जो है रात को देर तक काम करना, ये उनकी जो है ये उनका दिखाता डेडिकेशन दिखाता
दिखाता है। मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है वो जो सिंधु दर्शन एक जो है एक पूरा जो एक आज आज लद्दाख में सिंधु दर्शन महोत्सव चलता है, इस सिंधु दर्शन महोत्सव की नींव भी आडवाणी जी ने रखी थी। और वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है, आडवाणी जी उस वक्त जो है तरुण विजय पांचजन्य के संपादक थे, उनके साथ वो लेह में लद्दाख में थे और अचानक जब वो सुबह उठ के करीब 5-5:30 बजे जब वो वहां पर टहल रहे थे नदी के किनारे, तो उन्होंने तब उनको एकदम से ये पता रहे सिंधु नदी यहाँ से बहती है और वो सिंधु नदी है जो भारत की जिसको लेकर ये कहा जाता है कि सिंधु से हिंदू नाम पड़ा और ये सिंधु जो है भारत की एक प्रमुख एक रिवर नदी है। तो जैसे ही उनको लगे तो उन्होंने ये तुरंत आइडिया दिया, उन्होंने कहा कि हम सिंधु को क्यों भूल रहे हैं, और उसी वक्त जो है उन्होंने ऐलान किया कि सिंधु दर्शन फेस्टिवल शुरू होगा जिसमें देश से सभी लोग आएंगे, क्योंकि अब इसका सिंधु का जो है वो पाकिस्तान से ये शुरू होती है, तो बंटवारे के बाद धीरे धीरे एक तरह से लोगों ने सिंधु को भुला दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि सिंधु तो हमारी है, हम कैसे सिंधु घाटी सभ्यता को कैसे सिंधु किस संस्कृति को भूल सकते हैं, और उन्होंने उस दिन तुरंत ऐलान किया और आज तक वो जो है सिंधु जो फेस्टिवल है वो आज तक सिंधु के नदी के किनारे आयोजित होता है लेह लद्दाख में, जिसमें पूरा भारत झुकता है। जी अशोक जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी भी जुड़ चुके हैं और आइए उनसे भी बात कर ले।